हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस ड्रेस के साथ मेकअप लुक शेयर करूंगी। वलीमा लुक मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसके साथ बहुत ही प्यारा मैंने ये ड्रेस पहना है, जिसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। ये इस तरह का इसका दुपट्टा है। तो ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीच कलर का ये ड्रेस है। इसके साथ मैंने इयररिंग्स पहले पहन लिए थे, मैंने बहुत ही सिंपल सा, और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले अब हम अपनी स्किन प्रेप करते हैं। मैं लोशन लेके आती हूँ, वो लगाते हैं और अपनी मेकअप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लोशन मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं ये वाला मेकअप लोशन यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं लोशन ले लूँगी और अपने फेस पर लोशन लगा के अपनी स्किन प्रेप कर लूँगी। बचेगा लोशन आप लोग अपने हाथों पे लगा लें। तो अभी लोशन जो है फुल मेरे फेस पे लग चुका है, और बाल जो है मैंने वो पहले ही अपने ट्विस्ट बना लिए थे और बालों को नीचे से कर्ल कर लिया था। तो अब जो है मैंने अपने लोशन लगा लिया। मैं बेस लेके आती हूँ, वो लगाते हैं। आज मैं काफ़ी दिनों बाद गार्नियर की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बीबी क्रीम मतलब बेस जो है मेरी, वो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी स्किन को टोन के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच होती है। तो काफ़ी दिन से मैं ये यूज़ नहीं कर रही थी, बाकी दूसरी वाली यूज़ कर रही थी। तो आज हम ये कर लेंगे, क्योंकि लाइट सा मेकअप करना है, इससे बहुत लाइट होता है। वो जो बेस थी उससे हैवी मेकअप में कर रही थी, जो पिछली आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा। तो अभी इससे तो हमने लाइट सा मेकअप करना है, तो बस अब हम जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। तो आज मैंने पैलेट चेंज कर लिया है, मोरपी की मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें से पिछले दिनों जो आप लोगों ने देखा होगा, मतलब जो मेरे भाई ने मेकअप किया था, सारी मेरी पैलेट ख़राब कर दी, थोड़े थोड़े कलर मिक्स हुए होंगे। तो इसके साथ जो मैच हो रहा है वो है ये वाला कलर, क्योंकि इसमें ये कलर था, बाकियों में नहीं था, इसलिए मैंने ये वाली पैलेट ली है, ये कलर। तो अब मैं जल्दी जल्दी से ये कलर अपने लगाऊंगी आंखों पे। तो अभी मेरी आंखों के जो नीचे नीचे वाली जगह है, इस पर भी मैं हल्का हल्का सा लगा लूँगी, क्योंकि मैंने सिर्फ यही वाला कलर रखना है और मस्कारा लगाना है। बस ये डन हो चुका है मेरा कलर, अब आगे मैं अगला स्टेप बताती हूँ। तो अब मैं अपने फेस पे मस्कारा लगा रही हूँ आंखों पे। मस्कारा लगाने के बाद मैं अगला आपको कुछ स्टेप बताऊँगी। तो अब मस्कारा लग चुका है, मैं ब्लश और हाइलाइटर लेके आती हूँ। और हाइलाइटर आज की वीडियो में मैं चेंज कर रही हूँ फाइनली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में ना पुराना हाइलाइटर लगा रही थी। तो पुराना नहीं मतलब न्यू था वो भी, लेकिन एक ही हाइलाइटर लगा रही थी। ब्लश मेरे पास यही है, इसलिए मैं यही रखूँगी, बाकी हाइलाइटर मैं अपना लिख के आती हूँ। तो अब मैंने अपनी बड़ी आई पैलेट निकाल ली है, क्योंकि मेरे पास है बड़ी आई पैलेट जिसमें सब शेड्स होते हैं। तो मैं ये पिंक वाला लगाऊंगी, पिंक वाला ये जो है ना, क्योंकि इसमें पिंक वाला ही लगेगा। इसके जो है ना कलर्स थोड़े, इसके जो लगते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, लगते हुए जो दूसरी है ना उसके कुछ खास नहीं है। मतलब जो सिंपल मेरे पास एक वाइट है और एक पिंक है, जो मैं रोज़ की वीडियो में लगाती हूँ, उसके इतने खास नहीं है। इसके जो कलर्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम अपनी आंखों पर भी लगा देंगे, और उसके बाद मेरी लिपस्टिक रह जाएगी। लिपस्टिक मैंने लगाना है आज, बहुत ही प्यारा सा मतलब शेड लगाना है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये आप लोगों को मेरी जो याद होगी लिप लाइनर, ये न्यूड शेड है मेरे पास। स्किन कलर ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये मैं काफ़ी दिन से नहीं लगाती, इस ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, तो मैं ये लगा रही हूँ। तो अब ये डन हो चुका है। मैंने आज ये इसलिए लगाया क्योंकि मैंने वलीमा लुक पे आप लोग बताते थोड़ा लाइट लाइट मेकअप अच्छा लगता है, तो बस ये था। और अब हम मेकअप फिक्सर का एक स्प्रे लगा लेंगे, एक ही मेकअप फिक्सर है तो मैं ये लगा दूँगी। तो अब मेरा मेकअप जो है वो डन हो चुका है फाइनली। तो मेरा ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा आज प्यारा लग रहा है, और मेकअप लुक भी मुझे मेरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाल मैंने बना लिए थे, ये भी अच्छे लग रहे हैं इसके साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।